वेलकम टू इंजीनियरिंग हॉटस्पॉट। स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग का, क्यों रिवीजन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर्वेइंग से। सर्वेइंग बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, पहली बात, हमेशा लोकेशन निकालने के लिए, कोई भी पॉइंट है उसकी लोकेशन निकालने के लिए और पोजिशन निकालने के लिए। पोजिशन में हम बात करें तो हम हमेशा बोलेंगे कि लोकेशन और पोजिशन क्या रिलेटिव, रिलेटिव लोकेशन और पोजिशन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सर्वेइंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली दो टाइप से अपन सर्वेइंग को यूज़ करते हैं। जैसे सर्वेइंग का अपन दो पॉइंट लेंगे कि ऐसे तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन दो पॉइंट में, जैसे फर्स्ट है प्लेन सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अपन अर्थ के कर्वेचर को, प्लेन सर्वेइंग में अर्थ का कर्वेचर नहीं इंक्लूड करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। सेकेंड जो टाइप है वो क्या है, जियोडेटिक, जियोडेटिक सर्वेइंग। जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग में अपन क्या करते हैं, कर्वेचर को इंक्लूड करते हैं। मतलब क्या हुआ कि इसमें अर्थ कर्वेचर इंक्लूड होगा, अर्थ का कर्वेचर लेंगे, ठीक है। अब आपके पास ये तो हो गए आपके मेन, आपके ये क्या हुआ, ये दो तो हो गए सर्वेइंग के दो मेन टाइप। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा भी बहुत टाइप के होते हैं। कैसे डिपेंड करता है कि माइन सर्वेइंग, सर्वे किसके लिए करते हैं, माइन के लिए कर रहे हैं, जियोग्राफिकल के लिए कर रहे हैं, टोपोग्राफी के लिए कर रहे हैं, कैडस्ट्रल की, कैडस्ट्रल एक और वर्ड, कैडस्ट्रल, कैडस्ट्रल सर्वे किसके लिए करते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे करते हैं अपन बेसिकली जो भी रिवेन्यू सर्विसेज से रिलेटेड होता है। मींस क्या हुआ, जैसे पटवारी का कोई काम होता है या फिर लैंड से रिलेटेड जो काम होते हैं वो किससे होते हैं, कैडस्ट्रल सर्वे में आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आपका एक क्या है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन। यहाँ पर एक ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि जियोडेटिक सर्वेइंग में कौन से अपन क्या करते हैं, अर्थ का कर्वेचर इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वेइंग जो है वो की डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लेता है। मींस क्या, सर्वेइंग क्या है, सर्वेइंग इंजीनियरिंग है, आर्ट है, जिससे कि अपन रिलेटिव पोजीशन याद करते हैं, ठीक है। हमेशा ये याद रखना कि वर्ड रिलेटिव, ठीक है। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट आता है एक कि प्रिंसिपल, कि सर्वेइंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखना कि प्रिंसिपल को, सर्वे के प्रिंसिपल, तो सर्वे के क्या हैं, दो प्रिंसिपल हैं जिस पे सर्वेइंग बेस्ड होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल है सर्वेइंग का होल टू पार्ट, ठीक है। अभी इसका डिटेल में नहीं, बस इतना याद रखना कि होल टू पार्ट मींस क्या हुआ, बड़े एरिया से अपन छोटे एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ होल टू पार्ट फर्स्ट। सेकेंड क्या होता है कि दो नॉन पॉइंट से, दो रेफरेंस नॉन पॉइंट से थर्ड पॉइंट निकालना, ठीक है। तो सेकेंड क्या है कि लोकेट थर्ड पॉइंट, लोकेट थर्ड पॉइंट फ्रॉम टू नॉन, लोकेट थर्ड पॉइंट फ्रॉम टू नॉन पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ड याद रखना, टू नॉन पॉइंट्स मींस क्या हुआ कि दो नॉन पॉइंट से आप थर्ड पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है सब। मतलब क्या हुआ कि चेन सर्वेइंग भी करोगे तो भी अपन इसी को यूज करेंगे कि टू नॉन पॉइंट से अपन थर्ड पॉइंट निकाल रहे हैं। अपन कंपास सर्वेइंग यूज कर रहे हैं तब भी इसी को यूज करेंगे, इसके इस प्रिंसिपल को। और क्या बोलते हैं इसको, अब अपन नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, कंपास सर्वेइंग के अलावा आपके पास कौन सी सर्वेइंग है, ट्रैवर्स सर्वेइंग है, या जो भी सर्वेइंग के आगे के जो भी ब्रांचेस हैं, जो भी आपका क्या आगे इंक्लूड होगा, वो सब किस में होंगे कि प्रिंसिपल बेस्ड होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया नॉर्मल, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं स्केल की। स्केल क्या है, स्केल क्या है, स्केल हमेशा ऐसे याद रखना है कि मैप डिस्टेंस, मैप डिस्टेंस अपॉन में एक्चुअल डिस्टेंस, या तो बोल दो कि मैप डिस्टेंस अपॉन में एक्चुअल डिस्टेंस, या फिर अपन बात करें एक्चुअल की जगह अपन बोल सकते हैं ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। तो जब भी अपन सर्वे में काम कर रहे हैं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, कि क्या करना पड़ेगा, या तो मैप बनाना पड़ेगा या प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी एक्चुअल डिस्टेंस है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, कम स्केल पे यूज करना पड़ेगा। मींस क्या होगा कि उसको थोड़ा सा आपको मिनिमाइज करना होगा। तो इसीलिए अपन स्केल यूज करते हैं, मैप डिस्टेंस अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस, या एक्चुअल की जगह लिख सकते हैं ग्राउंड डिस्टेंस, ठीक है। एक्चुअल की जगह से लिख सकते हैं ग्राउंड डिस्टेंस। अब रात बात करें कि स्केल के अलावा अपने पास क्या होता है, ये तो अपन स्केल बोल सकते हैं, या फिर स्केल वर्ड ना यूज करके इसमें सबसे अच्छा वर्ड जो होगा वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। क्यों, क्योंकि स्केल अपन जनरली कैसे लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, ऐसे ही अपन स्केल रखेंगे। और लेकिन जब भी हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की बात करेंगे, ये क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर,
ठीक है, जब भी अपन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की बात करेंगे तो हम हमेशा ये बोलेंगे कि मैप डिस्टेंस अपॉन में एक्चुअल डिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पर इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर अपॉन में क्या हुआ 10 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है। तो हमने बोला कि सेंटीमीटर में चेंज किया, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, मतलब क्या हुआ 1/1000, ये क्या हुआ आपका, ये हुआ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, ठीक है। जब अपन स्केल की बात करते हैं, ठीक है, स्केल भी वही हुआ एक तरह से, लेकिन इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है। हम बात कर रहे हैं स्केल की, तो हमारे पास क्या होता है, स्केल में जनरली क्वेश्चन आता है कि लार्ज स्केल कौन सा है, स्मॉल स्केल कौन सा है। तो हम बोल रहे हैं जो स्केल है उसमें से सबसे बात करें फर्स्ट स्मॉल स्केल, ठीक है, मीडियम स्केल और लास्ट क्या है लार्ज स्केल। जब हम बात कर रहे हैं इसकी कि स्मॉल स्केल है, तो स्मॉल स्केल में आपका होगा, हम बोल रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर और मोर। ये तो हो गया आपका स्मॉल स्केल। मीडियम स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, ये हुआ आपका मीडियम स्केल। और लार्ज स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर और लेस, ये क्या हुआ लार्ज स्केल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस पे पुट कर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस पे भी आता है कि इनमें से कौन सा स्केल, जैसे आपको क्वेश्चन दे देता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर, इनमें से कौन सा स्केल बड़ा है, कौन सा स्केल छोटा है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। नेक्स्ट बात करें कि स्केल कितने टाइप के होते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि नेक्स्ट हम बात करें कि टाइप्स ऑफ स्केल, तो टाइप्स ऑफ स्केल की बात करें तो टाइप्स ऑफ स्केल क्या होगा, टाइप ऑफ स्केल में फर्स्ट आता है कि टाइप स्केल में तीन आते हैं, जिसमें अपन को क्या ध्यान रखना है, पहली बात अपन को क्या है, पहले एक होता है प्लेन सर्वे प्लेन स्केल, एक होता है डायगनल स्केल और लास्ट होता है वर्नियर स्केल। इंपॉर्टेंट है वर्नियर स्केल, ठीक है। वर्नियर स्केल अब आपके क्या हुआ कि डायरेक्ट स्केल, मतलब क्या हुआ कि आप इसमें क्या कर रहे हो, दो यूनिट को दिखा सकते हो, मतलब मीटर और सेंटीमीटर को इंक्लूड कर सकते हो जैसा नॉर्मल स्केल होता है, ठीक है। डायगनल स्केल में अपन 3 यूनिट दिखा सकते हैं, मतलब सेंटीमीटर मीटर और mm तक की जो यूनिट है, मतलब 3 टर्म्स में दिखा सकते हैं। वर्नियर स्केल की बात करते हैं तो क्वेश्चन यहां पर आ सकता है कि वर्नियर स्केल में कितने टाइप के होते हैं वर्नियर, दो टाइप के वर्नियर होता है, एक तो होता है डायरेक्ट वर्नियर, एक होता है डायरेक्ट वर्नियर स्केल और एक होता है आपका रिट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। तो दो आपके पास हो गया कि एक तो डायरेक्ट, एक हो गया क्या बोलते हैं रिट्रोग्रेड। डिफरेंस कहां पे होता है ये देख लो, डिफरेंस कहां पर आता है कि हम क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट स्केल में क्या होता है कि n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल होता है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल होता है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और रिट्रोग्रेड में क्या होता है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल होता है आपका n plus 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया कि दो वर्नियर के टाइप हो गए, फर्स्ट हो गया डायरेक्ट वर्नियर, एक हो गया रिट्रोग्रेड वर्नियर, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से पूछ लेगा कि डायरेक्ट वर्नियर और रिट्रोग्रेड में क्या बोलते हैं, क्या डिफरेंस है, मींस क्या होगा, आपको दे देगा कि रिट्रोग्रेड वर्नियर कौन सा होता है और आपसे ऑप्शंस में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है कि आपका वर्नियर के बाद जो स्केल के बाद जो आपका टॉपिक बनता है वो है आपका करेक्शन, टेप और चेन करेक्शन. ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आता है लीस्ट काउंट क्या है. लीस्ट काउंट हमेशा याद रखना एस इक्वल्स टू एन होता है. एस क्या है, एन क्या है, ये है कि आपके पास एस होता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेन स्केल. एस इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेन स्केल. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ डिवीजन इन वर्नियर, मतलब नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी. आपको यहां पर वी नहीं शो हो रहा जब अपन क्या बोलते हैं इसको, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि एस अपॉन एन ही अपन जब हमेशा करेंगे, मतलब कि जो ये एस होगा वो हमेशा मेन स्केल का होगा, नंबर जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो मेन स्केल का लेंगे. लेकिन फिर भी कि वी होता क्या है, वी होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्नियर स्केल. ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चंस बनते हैं आपके, आपके क्वेश्चन बनते हैं कि करेक्ट लेंथ कौन सी है. क्वेश्चन आता है कि आपको लेंथ दे रखी होती है, मेजर्ड लेंथ दे रखी होती है और आपसे पूछता है कि ये स्केल है तो करेक्ट लेंथ क्या है. ठीक है, तो आपसे इस बेसिस पे आपके फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से ही आपको सारे आपके इसके हो गया, इससे इनसे आंसर निकल जाएंगे. श्रंक श्रंक फैक्टर इक्वल्स टू श्रंक लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ. ठीक है, तो आपको यहां पर श्रिंकेज फैक्टर बोल रहा है, श्रंक फैक्टर बोल रहा है, तो श्रंक फैक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, श्रिंक लेंथ, कि लेंथ में कितना श्रिंकेज हुआ है और एक्चुअल लेंथ क्या थी उसकी. ठीक है, सेम ऐसे ही करेक्ट लेंथ में मिलता है कि आपसे रॉन्ग चेन लेंथ दे रखी होती है और आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे करेक्ट लेंथ इक्वल्स टू होगा रॉन्ग लेंथ इंटू रोंग स्केल अपॉन में करेक्ट स्केल. ठीक है, क्वेश्चन आता है आपसे बोल देता है कि मेजर्ड जो है, मेजर्ड लेंथ है वो गलत है, तो आप जो रोंग लेंथ है उसकी जगह यहां पे ये भी ले सकते हो कि मेजर्ड लेंथ और जो आपका भी मेजर्ड स्केल, सॉरी जो रोंग स्केल दे रखा है. ठीक है, और ये क्या है, करेक्ट या एक्चुअल या फिर ट्रू. ठीक है, तो यहां पर आपका करेक्ट लेंथ होगा. लेंथ की बात कर रहे हैं, एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, आपसे बोला करेक्ट एरिया या फिर बोले एक एक्चुअल एरिया, वो क्या होगा, वो होगा आपका कि करेक्ट स्केल रोंग स्केल अपॉन में करेक्ट स्केल का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रोंग स्केल रोंग एरिया. ठीक है, सेम ऐसे ही यदि यहां पर एरिया की जगह क्या बोलता है, एरिया की जगह बोलता है आपको वॉल्यूम. वॉल्यूम में आप क्या करोगे, इस दो की जगह क्या कर दोगे यहां पे तीन. कब, जब आपको यहां पे क्या पूछता है, वॉल्यूम पूछता है. तो ठीक है, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. क्वेश्चन आता है कि आपको स्केल दे रखा होता है, आपसे पूछता है करेक्ट लेंथ बताइए, करेक्ट एरिया बताइए या करेक्ट वॉल्यूम बताइए. ठीक है, तो ये स्केल कंप्लीट आपका, ये लेंथ करेक्शन लेंथ. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चेन सर्वेइंग. चेन सर्वेइंग की बात करें तो अपने पास क्या है, एक है आपके पास मैट्रिक चेन को क्या बोलते हैं, मीटर चेन भी बोलते हैं. इसमें क्या करते हैं, मीटर में ही आप क्या कर रहे हो, लेंथ मेजर करते हैं. ठीक है, इसमें इतना याद रखना कि वन लिंक लेंथ जो है वो होती है आपकी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, 20 सेंटीमीटर. इसी से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, नंबर ऑफ जैसे 30 मीटर में कितने लिंक हैं, 30 मीटर में कितने लिंक हैं, 20 मीटर में कितने लिंक हैं. ठीक है, 30 मीटर में क्या होगा, 150 के अराउंड, है ना, और आपका 20 मीटर में क्या होगा, 100 लिंक. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी.
ये हो गया मैट्रिक चेन. नेक्स्ट क्या होती है, एक होती है आपके पास इंजीनियरिंग चेंज. इंजीनियरिंग चेन क्या हुई, इंजीनियरिंग चेन होती है 1600 फीट लॉन्ग और इसमें क्या हुआ 100 ही लिंक होते हैं, 100 ही लिंक है. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 फीट पे एक लिंक है. नेक्स्ट है रिवेन्यू चेन. रिवेन्यू चेन क्या है कि लेंथ बोल रहा है 33 फीट लेंथ होती है उसकी, 33 फीट लॉन्ग और 16 लिंक है. ठीक है, तो आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हो कि आपका कितना आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है रिवेन्यू, इंजीनियरिंग चेन, मैट्रिक चेन, रिवेन्यू चेन. लास्ट है स्टील बैंड. ठीक है, स्टील बैंड क्या है कि जनरली जो अब यूज कर रहे हैं स्टील का, आपका पतली सी टेप है उससे ही अपन क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं. बेसिकली ये क्या है, ये है चेन, ये है चेन और अपन क्या बोलते हैं, अपन बोल रहे हैं कि टेप. टेप की बात करें तो टेप में सिर्फ एक ही आपको ध्यान में रखना है, टेप में आपको एक ही ध्यान रखना है क्या, इनवार टेप. इनवार टेप में भी इतना ही आपको याद रखना है कि इनवार टेप में निकल इनवार टेप में आपको ये रखना है कि निकल और स्टील होता है, जिसमें स्टील क्या है 64% और निकल क्या है 36%. ठीक है, तो इतना आपको इसके लिए याद रखना है. इंजीनियरिंग चेन, मैट्रिक चेन, रिवेन्यू चेन हो गया, हो गया. यहां पर एक और इंक्लूड कर लेना, गंटर चेन. गंटर चेन क्या होती है, 66 फीट लॉन्ग और 100 लिंक्स, 66 फीट लॉन्ग और 100 लिंक्स. ठीक है, ये आपका हो गया चेन, चेन की बेसिक नॉलेज कि चेन कौन कौन से टाइप की होती है. अब नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं करेक्शन. करेक्शन फॉर चेन और टेप, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं चेन और टेप पे. इस पे आपका न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आता है कि करेक्शन बताइए. ठीक है, तो फर्स्ट आपका हम बात करें तो करेक्शन होता है, फर्स्ट अपन बात करें तो करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ. फर्स्ट करेक्शन, करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ. ठीक है, करेक्शन ऑफ एब्सोल्यूट लेंथ सी ए इक्वल्स टू सी अपॉन में स्मॉल एल क्या, सी ए इक्वल्स टू सी अपॉन में स्मॉल एल. एब्सोल्यूट लेंथ क्या है, सी ए इक्वल्स टू सी अपॉन में एल इंटू कैपिटल एल, वेयर सी क्या है, सी है करेक्शन पर चेन लेंथ. स्मॉल एल क्या है कि डिजाइन लेंथ क्या दी है आपको, डिजाइन लेंथ ऑफ चेन. और लास्ट एल क्या है, एल क्या है आपका मेजर्ड लेंथ. ठीक है, इसमें क्या है कि आपको लेंथ पे चेंज आ रहा है, मींस क्या मींस क्या हुआ कि करेक्शन पर्टिकुलर एक चेन में कितना होना चाहिए. ठीक है, तो यहां पर एक चेन में कितना हुआ, टोटल कितना था और डिजाइन लेंथ कितनी थी, ये आपका क्या हो गया करेक्शन. दूसरा, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर की बात करें, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर में इसको सी ए से डिपेंड कर डिनोट कर रहे हैं, इसको सी टी से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो करेक्शन टेम्परेचर में क्या हुआ, एल अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, तो एल अल्फा डेल्टा टी को अपन लिख रहे हैं टी एम माइनस में टी नोट. ठीक है, अब टी एल क्या है, एल तो आपको पता ही है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप, टेप और चेन. ठीक है, अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कोफिशियंट. ठीक है, ठीक है, तो अपन बोलेंगे कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशियंट ऑफ
थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन आता है इस पे कि क्या है, मतलब क्या हुआ कि करेक्शन क्या होता है इसका, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव करेक्शन क्या होगा, जब टी एम जो है मतलब आपका मेजर्ड लेंथ है वो ग्रेटर देन होगी टी नोट से। नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव होगा जब आपका टी एम जो है वो लेस देन होगा टी नोट से। टी एम टी नोट क्या है, टी एम तो है कि मेजर्ड जब किया था, मेजर्ड टेम्परेचर कब क्या था, मतलब क्या हुआ कि जब आपने ग्राउंड पे मेजर की थी चेन, मतलब लेंथ मेजर की थी तो टेम्परेचर क्या था। और डी नोट क्या है कि जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या था, मतलब कि जब आपने स्टैंडर्डाइज की थी टेप को तो क्या टेम्परेचर था, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर ऑफ टेप। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि आपको टेम्परेचर दे रखा होगा मेजर्ड कितना है, स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर कितना है, कोफिशियंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा होगा और लेंथ दे रखी होगी एक्चुअल लेंथ। और आपसे पूछेंगे कि सी टी मतलब क्या होगा, करेक्शन ऑफ टेप, करेक्शन ऑफ टेम्परेचर क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव का भी होता है कभी कभी कि पॉजिटिव है टीएम ज्यादा होगा, नेगेटिव है तो टीएम लेस होगा। ठीक है, ये हो गए दो करेक्शन। नेक्स्ट हम बात करें करेक्शन थर्ड, करेक्शन फॉर पुल, करेक्शन ऑफ पुल। पुल का क्या है, करेक्शन है सी पी से डिनोट करेंगे फर्स्ट थिंग। ठीक है, पी एम माइनस में पी नोट एल अपोन में ए ई, ऐसे वो ऐसे याद रखो पी एल अपोन में ए ई होता है। यहां पर सिर्फ क्या हुआ, लोडिंग का डिफरेंस है। क्या है, अपन बात कर रहे हैं पहले पी एम क्या है, पी एम क्या है मेजर्ड टेम्परेचर, क्या मेजर्ड पुल क्या था, मतलब क्या हुआ जब आपने लेंथ को मेजर किया तो आपका क्या हुआ कि पुल कितना था, मतलब ये हुआ मेजर्ड पुल। पी नोट क्या है कि पुल जब आपको क्या हुआ ये स्टैंडर्डाइजेशन किया था किसका, चेन का, तो पुल एट द टाइम ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, एल क्या है, एल है एक्चुअल लेंथ। ठीक है, ए क्या है, ए है आपका, ए है आपका एरिया, और एरिया भी कौन सा, क्रॉस सेक्शन एरिया, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है। ई क्या है, ई आपका आपको पता ही है, ई क्या है आपका कि इलास्टिक कॉन्स्टेंट, मतलब यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस जो कि अपन जनरली किसके लिए लेते हैं, स्टील के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके तीन करेक्शन। फोर्थ करेक्शन फॉर, करेक्शन फॉर सैग। ठीक है, अब ये याद रखना पहली बात कि सैग का करेक्शन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव, नेगेटिव करेक्शन। दूसरी चीज कि सैग का करेक्शन हमेशा पर नेगेटिव लेंगे पहली बात, और दूसरी चीज जनरली ये पुल से क्या होता है आपका, पुल से इक्वल हो जाता है। इसमें डब्ल्यू स्क्वायर एल अपन में 24 पी एम का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू जो है यहाँ पर ये स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल है, मीन्स क्या हुआ जैसे अपन यूडीएल मान रहे हैं तो डब्ल्यू वेट हो गया और लेंथ क्या है पूरी लेंथ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ डब्ल्यू एल पूरा डब्ल्यू। ठीक है, यदि इसको डब्ल्यू एल के टर्म में लिखें, स्मॉल डब्ल्यू एल के टर्म में लिखें तो हम होगा बोलेंगे डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यू अपॉन 24 पी एम का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जो आपको कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है या स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि डब्ल्यू है क्या, डब्ल्यू है वेट ऑफ टेप या चेन। ठीक है, लेंथ क्या है, एल जो क्या है कि जो भी इसका क्या है पूरी चेन की लेंथ जो है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। और पीएम क्या है, मेजर्ड, यहां पे याद रखना पीएम जो है वो स्टैंडर्ड नहीं है, पीएम है मेजर्ड लेंथ, मेजर्ड पुल कितना है आपका, मेजर्ड पुल मींस क्या हुआ कि जब आप मेजर कर रहे हो इसको उस टाइम पे पुल कितना था वो आपका क्या है पीएम है। नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन और पूछता है नॉर्मल टेंशन क्या होता है, ये और पूछता है कि नॉर्मल टेंशन क्या है, और नॉर्मल टेंशन क्या होता है जब आपका सैग करेक्शन और पुल करेक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा, सैग करेक्शन और सैग का करेक्शन और पुल का करेक्शन दोनों इक्वल हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो, नॉर्मल टेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मल टेंशन क्या होगा कि आपका सी सैग और सी पुल। ठीक है, अभी हमने बात किया कि करेक्शन चार तक हमने बात कर ली, एक और करेक्शन, दो और करेक्शन पढ़ लो। फर्स्ट एक चीज और याद रखना हमेशा कि ये नेगेटिव होता है। ठीक,
फिफ्थ करेक्शन नेक्स्ट करेक्शन ड्यू टू स्लो करेक्शन ड्यू टू स्लोप मीन्स क्या हुआ कि आपके पास क्या हुआ कि ये हाइट है एच इसकी स्लोप की वजह से मतलब कि आपकी हाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल ना होके आपका हाइट क्या है थोड़ा सा टिल्टेड है टिल्टेड होने की वजह से आपको क्या हुआ करेक्शन ऑफ स्लोप आएगा करेक्शन ऑफ स्लोप होता क्या है सी स्लोप लिख सकते हो इक्वल्स टू एच स्क्वायर अपॉन में टू एल एच क्या है एच तो है ये जो हाइट है मतलब हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है वो तो क्या हुआ हाइट ठीक है और L क्या है L क्या है टोटल लेंथ मतलब आपने क्या हुआ आप जब मेजर करने जा रहे हो तो आपसे मेजर आपकी ये क्या है आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है कोई माउंटेन है कोई हिली एरिया है तो आप जो मेजर कर पाओगे वो क्या होगी ये वाली लेंथ लेकिन सही रियल में इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ठीक है तो यहां पर अपन मेजर कौन सी कर सकते हैं ये वाली तो यहां पर करेक्शन आता है एच स्क्वायर अपॉन में 2L एच क्या हुआ ये डिफरेंस मतलब हाइट में जो डिफरेंस है एल क्या हुआ मेजर्ड मेजर्ड लेंथ मतलब जो आपने मेजर्ड की है ग्राउंड पे मेजर्ड लेंथ ठीक है एक चीज ये हमेशा क्या होगा ये हमेशा होगा आपका नेगेटिव ये हमेशा नेगेटिव होगा करेक्शन करेक्शन ड्यू टू करेक्शन ड्यू टू रोंग अलाइनमेंट करेक्शन ड्यू टू रोंग अलाइनमेंट क्या होगा आपके पास करेक्शन होगा अलाइनमेंट से एच स्क्वायर अपॉन में टू एल ये भी आपका नेगेटिव ही होता है सेम एल क्या है आपकी यहां पे मेजर्ड लेंथ है एच क्या है वही हाइट मतलब जो रोंग अलाइनमेंट की वजह से जो भी डिफरेंस आया है वो आपका क्या होगा डिफरेंस ठीक है नेक्स्ट चीज कभी भी क्वेश्चन जो गेट में आते हैं वो आपसे क्या होता है एक नहीं पूछता वो आपसे क्या करता है सारे पूछता है मींस क्या होगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपको वहां पर आपको पुल करेक्शन भी लगाना है आपको सैग करेक्शन भी लगाना है आपको टेम्परेचर करेक्शन भी लगाना है ये सारे मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो सारे करेक्शन एक साथ पूछेगा इस टाइम पे क्या करना है आपको पहले तो इनके साइन पे ध्यान रखना है मींस क्या हुआ जैसे सैग का अगर हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा याद रखना है आपके पुल का क्या होगा कि पीएम ग्रेटर होगा तो पुल पॉजिटिव होगा पीएम क्या होगा लेस होगा तो नेगेटिव होगा तो इसी हिसाब से आपको क्या करना है इनके अर्थमेटिक मतलब क्या हुआ सारे करेक्शन जो है टोटल करेक्शन जो करेंगे अपन वो सारे क्या करेंगे एड कर देंगे टोटल करेक्शन ठीक है तो टोटल करेक्शन में कौन कौन से करेक्शन हुए फर्स्ट करेक्शन क्या हुआ एब्सोल्यूट लेंथ का ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है फिर आपके पास आया टेम्परेचर का करेक्शन भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है नेक्स्ट आया पुल करेक्शन भी क्या होता है पुल करेक्शन भी आपका क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है नेक्स्ट आपके पास आया कि सैग का करेक्शन सैग करेक्शन हमेशा क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा नेक्स्ट आया आपके पास स्लोप करेक्शन तो आप क्या बोलोगे यहाँ हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा लास्ट में आया रोंग अलाइनमेंट के लिए भी आपके पास क्या हुआ हमेशा नेगेटिव होगा तो ये आपको याद रखना है कि कैसे करना है कि पॉजिटिव 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 या फिर नेगेटिव नेगेटिव कैसे आपको इसको एड अप करना है इससे आपका क्या होगा सारे टोटल करेक्शन निकलेगा ठीक है तो ये हो गया आपका करेक्शन कंप्लीट नेक्स्ट टॉपिक कंपास सर्विंग कंपास सर्विंग में सबसे फर्स्ट जो वर्ड है वो है आपकी बियरिंग की बियरिंग क्या है ठीक है फर्स्ट वर्ड है बियरिंग से पहले भी आपको एक चीज कि देखो ये आपका क्या है नॉर्थ पोल ये आपका साउथ पोल 2D में बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन बात कर रहे हैं पोल की ठीक है ये आपका वेस्ट ये ईस्ट ठीक अब जब भी अपन बात करेंगे बियरिंग की तो बियरिंग मतलब क्या हुआ डायरेक्शन निकालनी है किसी भी लेंथ किसी भी क्या बोलते हैं उसको लाइन की डायरेक्शन निकालनी है तो मैंने बोला कोई लाइन यहां पर लाई कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कहां से मेन पॉइंट से क्या होगी ये आपकी इसकी क्या हो गई बियरिंग हो गई ठीक है बियरिंग में क्या होगा दो टाइप की बियरिंग होती है एक तो होती है ट्रू बियरिंग एक होती है मैग्नेटिक बियरिंग ठीक है जब हम बात करेंगे ट्रू बियरिंग में हमेशा क्वेश्चन में आएगा ट्रू बियरिंग तो आप बोलना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको यदि रेफरेंस मान के डायरेक्शन ले रहे हैं मतलब एंगल ले रहे हैं मैंने बोला ये नॉर्थ और साउथ जो है ये कौन से हैं
अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, अर्थ का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इसको रेफरेंस मान के सब पॉइंट की डायरेक्शन ले रहे हैं, तो आपका क्या हुआ, ये तो हुई आपकी ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग की बात करेंगे तो हमेशा अपन बोलेंगे कि मैग्नेटिक आपका नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, अर्थ की जो आपका अर्थ है वो क्या है, मैग्नेटिक से क्या हो गया, मैग्नेटिक की वजह से क्या हुआ, उसमें कुछ चेंजेस हैं। तो मैग्नेटिक बियरिंग में हमेशा ये याद रखना है कि यहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ है और यहां पर मैग्नेटिक ही साउथ है। मींस क्या हुआ कि मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या हुई, मैग्नेटिक बियरिंग। और उधर से आप उसको रेफरेंस मान के आप क्या कर रहे हो, किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन निकाल रहे हो, तो होगी मैग्नेटिक बियरिंग। यहां पर एक वर्ड और आता है मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब होता है मेरिडियन का मतलब होता है कोई भी प्लेन सरफेस। मतलब क्या हुआ कि जब मेरिडियन की बात करते हैं तो अपन बात कर रहे हैं 2D में। नेक्स्ट चीज, अब क्या हुआ कि यहां पर आप बियरिंग जो है वो दो बियरिंग को दो सिस्टम में आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, दो तरीके से आप बता सकते हो बियरिंग को। मींस क्या हुआ, फर्स्ट तो है WCB। WCB मींस क्या हुआ, होल सर्कल बियरिंग। होल सर्कल बियरिंग। नेक्स्ट होती है QB। QB क्या है, क्वाड्रेटर बियरिंग, ठीक है। होल सर्कल बियरिंग में फर्स्ट बात करते हैं WCB की। तो होल सर्कल बियरिंग में कोई भी पॉइंट की डायरेक्शन लेने के लिए आप क्या करोगे, आप हमेशा क्या करोगे, नॉर्थ साउथ पॉइंट से ही लेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, WCB की बात कर रहे हैं, हमेशा नॉर्थ साउथ से ही लेंगे। मैंने बोला ये थीटा 1 है, इस पॉइंट की लोकेशन लेनी है तो हम क्या बोलेंगे, थीटा 2। इस पॉइंट की लोकेशन लेनी है तो हम क्या बोलेंगे, थीटा 3। इस पॉइंट की लोकेशन लेनी है तो हम क्या बोलेंगे, थीटा 4। मींस क्या हुआ, हमेशा नॉर्थ से ही बात करेंगे। मैं बोलूं ए बी सी और डी, ए पॉइंट के लिए अपन बोलेंगे थीटा 1 जो है बियरिंग है, बी पॉइंट के लिए थीटा 2 बियरिंग है, सी पॉइंट के लिए थीटा 3 और डी पॉइंट के लिए थीटा 4। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं क्यूबी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या बोलेंगे, क्यूबी में हमेशा ये याद रखेंगे कि नॉर्थ साउथ और वेस्ट ईस्ट। मतलब क्या हुआ, या तो रीडिंग नॉर्थ से ले सकते हैं या रीडिंग साउथ से ले सकते हैं, किसी एक से भी जिससे नियरेस्ट है। तो हमने बोला यदि पॉइंट यहां पर है तो बियरिंग लेंगे नॉर्थ से और इस बियरिंग को बोलेंगे नॉर्थ थीटा 1E। मतलब ए पॉइंट की बियरिंग को क्या बोलोगे, नॉर्थ थीटा 1E। यदि हम बोल रहे हैं यहां पर है तो हम बोलेंगे साउथ से पास में है, तो इस बी पॉइंट की बियरिंग को बोलेंगे साउथ थीटा 2E, मतलब ईस्ट। थर्ड हम बोल रहे हैं सी पॉइंट है तो हम बोलेंगे यहां पर कि यहां से थीटा 3। मतलब क्या हुआ, यहां पर अपन बोलेंगे साउथ थीटा 3W। और यदि लास्ट पॉइंट यहां पर है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, नॉर्थ से पास में है, थीटा 4। मतलब क्या हुआ, नॉर्थ थीटा 4W। ये कौन कौन से दो सिस्टम हो गए, पहला सिस्टम WCB, QB। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है WCB को QB में चेंज करना है, QB को WCB में चेंज करना है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि WCB ऐसे निकालोगे और QB क्या होगा, जो नियरेस्ट होगा उससे निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, सिस्टम हो गए। एक क्वेश्चन और आता है ट्रैवर्सिंग में आता है। मींस क्या हुआ, ये भी आपका कंपास सर्विंग है, तो कंपास सर्विंग के बाद ट्रैवर्सिंग में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इंक्लूड एंगल क्या है और एक्सक्लूड एंगल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिक्लिनेशन की। मींस क्या हुआ, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पे क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा ट्रू बियरिंग क्या थी, मैग्नेटिक बियरिंग क्या थी, ठीक है। तो अब सुनना, जब हम बात कर रहे हैं कि ये ट्रू बियरिंग हम ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग कहीं और होगी, हम बोल रहे हैं ये मैग्नेटिक बियरिंग का प्लेन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है थीटा, वो क्या है आपका, डिक्लिनेशन। ये क्या है, डिक्लिनेशन। अब सुनना, जब ट्रू बियरिंग जो है, ये भी केस हो सकता है कि थीटा क्या है आपके, यहां पर ईस्ट में साइड में है, थीटा क्या है, ईस्ट साइड में है। और एक दूसरा केस क्या बनता है कि आप ट्रू बियरिंग ये है और मैग्नेटिक बियरिंग कहां पे है, मैग्नेटिक बियरिंग वेस्ट साइड में है, मैग्नेटिक बियरिंग वेस्ट में है, ठीक है। मतलब यहां पर एक थीटा है, जब अपन ईस्ट में लेंगे तो हमेशा थीटा को पॉजिटिव लेंगे, यदि अपन वेस्ट में लेंगे तो थीटा नेगेटिव होगा। ट्रू बियरिंग क्वेश्चन कैसे आता है, मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी होती है और ट्रू बियरिंग पूछते हैं, तो ट्रू बियरिंग इक्वल्स टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस
आपके क्या होगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव ये साइन है, ये पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास ईस्ट होगा। यदि नेगेटिव कब होगा, ये जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास यहां पर ये वेस्ट में होगा, कौन, मैग्नेटिक बियरिंग वेस्ट में होगी, तब अपने पास क्या होगा, ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, एक ऐसे ही अपन क्या बात कर रहे हैं, फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की। ये हो गया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, यहां पर अपन एक बात और कर लेते हैं, कंपास सर्वेइंग में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग। क्वेश्चन इस पे आ जाता है, फोर बियरिंग से बैक बियरिंग निकालो। ठीक है, और ये ट्रैवर्सिंग में भी काम आता है कि इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए। तो हम बोल रहे हैं फोर बियरिंग और बैक बियरिंग, तो बोलते हैं ये आपकी क्या हुई, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जाएंगे, तो ये जो एंगल है थीटा वन, ये क्या होगा, फोर बियरिंग, फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन, फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन क्या होगा, थीटा वन। यदि हम बैक बियरिंग पूछ रहे हैं तो यहां से क्या होगा, बी से यदि अपन वापस ए पे जा रहे हैं, मतलब अपोजिट जा रहे हैं, तो बी से ए पे जाने के लिए वापस ये एंगल थीटा टू, मीन्स क्या होगा, बैक बियरिंग ऑफ ए बी लाइन वो हो गया थीटा टू। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है फोर बियरिंग से बैक बियरिंग, आपको डायरेक्ट आपसे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला क्या है, तो यहां पर होता है बैक बियरिंग इक्वल्स टू फोर बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। अब सुनना, फर्स्ट पॉइंट कि फोर बियरिंग 180 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, देन नेगेटिव साइन। यदि फोर बियरिंग 180 से कम है, देन पॉजिटिव साइन। ये याद रखना, इससे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके। फोर बियरिंग से बैक बियरिंग चेंज करने को बोलेगा, बैक बियरिंग से फोर बियरिंग चेंज करने को बोलेगा, तो इससे आपका सोल्व हो जाएगा। एक पॉइंट और, लोकल अट्रैक्शन, जब फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस, फोर बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग जो है वो प्लस माइनस 180 डिग्री नहीं है। अभी पढ़ा था आपने कि फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का डिफरेंस यदि 100 प्लस माइनस 180 डिग्री होता है, यदि नहीं है, तो वो स्टेशन जो है, जिस स्टेशन पे ऐसा हो रहा है, वो स्टेशन क्या है, वो स्टेशन लोकली अट्रैक्टेड है, लोकली अट्रैक्टेड है। तो कोई क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में अगर पूछता है कि लोकल अट्रैक्शन वाला स्टेशन कौन सा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी बैक बियरिंग चेक करनी पड़ेगी, फोर बियरिंग चेक करनी पड़ेगी, दोनों में सब डिफरेंस आएगा, वो 180 डिग्री ही होना चाहिए, और 180 डिग्री नहीं है तो मतलब वो स्टेशन क्या है, लोकली अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मीन्स क्या होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि कौन सी लाइंस, कॉन्टूर, कॉन्टूर तो आपके सिलेबस में भी है। कॉन्टूर क्या है, कॉन्टूर में क्या है कि लाइन ऑफ सेम एलिवेशन, एलिवेशन मतलब क्या हुआ कि हाइट, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट से, ये मैंने बोला ये रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट से किसी एरिया की जो हाइट है, ये हाइट जो है, ये इसको क्या बोलेंगे, एलिवेशन। मतलब क्या हुआ कि कोई पॉइंट किसी रेफरेंस से कितना ऊंचा है या किसी रेफरेंस से कितना नीचे है, वो उसको एलिवेशन से नोट करते हैं। ठीक है, तो लाइन ऑफ सेम एलिवेशन को क्या बोलेंगे, कॉन्टूर। आइसोपर्स, ये क्या होगा, लाइन ऑफ इक्वल एंगल चेंजेस, कि इक्वल एंगल चेंजेस जो है वो क्या हो गया, आइसोपर्स। आइसोगोनिक मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ सेम डिक्लिनेशन, अभी लाइन ऑफ जीरो डिक्लिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्या है, आइसोक्लिनिक लाइंस, लाइन ऑफ सेम डिप पॉइंट। डिप क्या होता है, डिप एक एंगल होता है, जब अपन मैग्नेटिक, जब अपन मैग्नेटिक एंगल की बात करते हैं, तो अब बेसिकली क्या हुआ कि कोई भी मैग्नेट क्या है, बिल्कुल सही डायरेक्शन नहीं दिखाती, वो थोड़ी सी क्या होती है, झुकी हुई होती है, तो वो जो वर्टिकल एंगल होता है वो क्या होता है, डिप होता है। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि सेम डिप पॉइंट जो होगा वो लाइन को होगी आइसोक्लिनिक लाइन होगी। एक्चुअली जीरो डिक्लिनेशन कौन से पॉइंट होते हैं, जीरो डिक्लिनेशन जनरली इक्वेटर पे होता है, पोल्स की बात करें तो पोल्स पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अपन जब जीरो डिक्लिनेशन की बात कर रहे हैं, जीरो डिप की बात करते हैं, तो उसी लाइन को क्या बोलेंगे, एक्लिनिक। बात करेंगे तो आपसे डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि कौन सी लाइन है ये।